आज हम करने वाले हैं स्मिथ एंड वेसन M29 का फायरिंग टेस्ट। Hey guys, welcome to the new video of Airsoft Gun India. Airsoft Gun India के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, अभी हमने रिसेंटली इस गन की वीडियो जो है अपलोड करी थी, वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। इसकी फायरिंग वीडियो जो है अभी तक अवेलेबल नहीं थी। आज हम इसका जो है फायरिंग वीडियो बनाने वाले हैं और आपको शूट करके दिखाएंगे। सो बेसिक से सबसे पहले आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो है इसको उमारेक्स बनाती है, यहाँ पे उमारेक्स की आपको जो है ब्रांडिंग दिख जाएगी। ये जो है एक्चुअली उमारेक्स थ्रू बनाई जाती है। CO2 पावर्ड है, अप टू 3 joules इसका जो है पावर मिलता है। ये जो है फुल मेटल की है एंड इसमें जो है सिंगल और डबल एक्शन ये दोनों में वर्क करती है। इस पर जो है एडजस्टेबल फ्रंट और रियर साइड आपको जो है वो मिल जाते हैं। इसमें रोटेटरी मैगजीन है, मतलब इसमें ऐसे 6 shells लगते हैं एक बार में, और 6 shells लगा सकते हैं। 3 अंदर की तरफ है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो 3 है ये हम लगाएंगे अंदर की तरफ। अब इसको कैसे यूज़ करना है, इसके यहाँ पे पीछे ही डायरेक्ट आपको रबर मिल जाएगा, वहाँ पे जो है आपको VVS लगाना होता है। सो डायरेक्ट आप पीछे से लगा सकते हो, और ये इसकी ग्रिप में जो है यहाँ पे CO2 लग जाएगा। सो हम आपको फायर करके सबसे पहले दिखाते हैं। ये 12 ग्राम का CO2 सिलेंडर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 0.177 4.5 mm का BB है, ये इसमें लगता है। ऑयल इसके CO2 पे यूज़ होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये गन है, और ये कुछ इस तरीके से बाहर आती है। यहाँ पे जो है आपको BBs लगाना है। सो आप सारे शेल्स जो है 1x1 बाहर निकाल सकते हो, या डिपेंड्स। सो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जो है आप लगा सकते हो। सो एवरी टाइम जो है आपको शेल्स बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो है सारे के सारे फिल कर लिए हैं। ये जो ग्रिप है यहाँ पे देख सकते हो, ये CO2 है 12 ग्राम का। ये पेलगन ऑयल कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर एक ड्रॉप आपको जो है यहाँ पे डालना है, एंड ये आपने गन लिया। सो बिफोर दैट मेक श्योर इसको जो है आप इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करके, ये आपने CO2 लगाया, और इसके लेंथ के थ्रू इसको आपने स्टार्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे आप घुमाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ज़्यादा टाइट हो गया। सो अब ये जो है यहाँ तक इंस्टॉल हो गया है, और ये आपने बंद करना है, और ये बंद करते अब ये जो है रेडी हो जाएगा, इसको फायरिंग पे रखना है। और ये सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको निशाना लगाना है, इसके बाद ट्रिगर पर हाथ रख के आई थिंक ये सारे के सारे फायर हो गए, ये देख सकते हैं हमने 6 राउंड फिल किए थे और 6 के 6 फायर हो गए। सो कुछ और जो हैं हम आपको फायर करके दिखा देते हैं ऑल द राउंड्स। मेक श्योर कीजिए जितने भी आपके BBs हैं प्रॉपरली अंदर की तरफ हो, क्योंकि थोड़ा भी बाहर हुआ तो हो सकता है वो पीछे की तरफ आ सकता है। सो अगेन अब ये सारी के सारी फिनिश हो गए। सो चलिए आपको सामने लेके जाके दिखाते हैं कि कितने एग्जैक्टली शॉट लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हो मैंने जो है 12 राउंड्स फायर करे थे मोस्टली। सो यहाँ पे जो है सारे 12 राउंड्स आप काउंट कर सकते हो, 3 यहाँ पे हैं और बाकी के सारे इस तरफ हैं। सो एक्यूरेट जो है काफ़ी लगता है। सो देख सकते हैं ये आपको ऑर्डर कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जब भी आप फायर कर लें, अब CO2 कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका ग्रिप आपने ओपन करा, एंड ये आपने लगाया, और इसको एंटी क्लॉक घुमाना है, एंड बाकी का जो भी CO2 होगा पूरा जो है बाहर आ जाएगा एक साथ, और ये CO2 ठंडा हो जाएगा। अब उसका कुछ भी यूज़ नहीं है। एक CO2 जब भी आप लगाएं, सो मेक श्योर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स के लिए रखें, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। उससे ज़्यादा रखेंगे तो गन में इशू आ सकता है। सो ये थी गाइस
स्मिथ एंड वेसन M29 की फायरिंग वीडियो। अभी जो है हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सेसरीज अवेलेबल है, जैसे ये गन केस है, आप देखते हो ये नॉर्मल ये कागज के बॉक्स में आता है। सो आई डू रिकमेंड कि आप जब भी ऑर्डर करें तो गन केस ले लें, उससे क्या होगा आपकी जो गन होगी स्क्रैचेस से बची हुई रहती है, स्क्रैचेस इन फ्यूचर नहीं फेस करना होगा। आपको ऐसे तीन कलर के आपको जो है गन कवर मिल जाते हैं, कोई भी एक गन कवर आपको जो पसंद है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। एंड ऑल्सो हमारे पास अभी जो है बीबीज अवेलेबल है, ऐसे बॉटल में लेते हो जनरली, ये ऐसा बॉक्स आप ऑर्डर करते हो तो आपको ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, बट ऐसे कॉम्बो में अगर आप ऑर्डर करते हो तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। अब इसके लिए जो है लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप बिना लाइसेंस में खरीद सकते हो। सिर्फ आपका एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप जो है शेयर कर सकते हो, उसके बेसिस पे आपको बिल मिल जाएगा। सो कोई इशू नहीं आएगा। EMI पे खरीदने के लिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको EMI पे खरीद सकते हैं। एंड ऑर्डर के लिए जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जो है क्लिक करके वेबसाइट पे बाय नाउ पे क्लिक करके आप जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एंड इफ ऑर्डर प्लेस करने में आपको कोई डिफिकल्टीज आ रही हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, एक कॉलिंग है और एक व्हाट्सएप नंबर है, दोनों पे आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इफ हम अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, वेबसाइट पे जो है कॉल बैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आप सबमिट कर सकते हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हमारी तरफ से जो होगी कॉल आपको आ जाती है। मेल भी आप हमें कर सकते हो info@airsoftgunindia.com या airsoftgunindia@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट मिल जाए। इफ कुछ क्वेश्चंस है या फिर आप चाहते हैं कि हमारी कोई नई वीडियो बने तो उसके लिए जो है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो टिल देन गाइस हैव फन।